कल पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ तहरीक के अदम एतमाद की कामयाबी के बाद इमरान खान पाकिस्तान के 22वें वजीर आजम बन जाते हैं जो कि अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक किसी भी वजीर आजम ने अपने प्राइम मिनिस्टर के तौर पर 5 साल मुकम्मल नहीं किए। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम 3 साल 7 महीने और 23 दिन तक रहे, ये कुल मिला के 1335 दिन बनते हैं। अगर पाकिस्तान में इस हवाले से बात की जाए कि किस वजीर आजम ने सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत की तो वो है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। नवाज शरीफ पाकिस्तान के वजीर आजम 9 साल और 123 दिन तक बने। अगर इस हिसाब से बात की जाए कि पाकिस्तान में सबसे कम अरसे तक कौन वजीर आजम रहा तो वो थे नूरुल अमीन। नूरुल अमीन पाकिस्तान के वजीर आजम 13 दिन तक रहे। और अगर हम इन 22 वजीर आजम की रैंकिंग करें कि किस वजीर आजम ने पाकिस्तान पे सबसे लंबे अरसे तक हुकूमत की तो इमरान खान का इसके अंदर 6ठा नंबर आता है। इमरान खान पाकिस्तान के वजीर आजम 1335 दिन तक रहे। पाकिस्तान के अंदर अगले मुतवक्का वजीर आजम शहबाज शरीफ हो सकते हैं और शहबाज शरीफ भी पाकिस्तान के अंदर अपनी मुद्दत पूरी नहीं कर पाएंगे क्योंकि अगर अली इलेक्शन कॉल हो जाता है तब तो वो वैसे ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगले साल वैसे ही असेंबली की मुद्दत पूरी हो रही है तो जब तक अगला इलेक्शन नहीं होता तब तक पाकिस्तान में कोई भी वजीर आजम आ जाए वो अपने 5 साल ऑफिस के अंदर मुकम्मल नहीं कर पाएगा।